जी हाँ, स्वागत वंदन अभिनंदन, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ और इस आईपीओ का आगमन बस होने ही वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है एज ए इन्वेस्टर हम लोग के लिए कि क्या ये ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ पे निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। कंप्लीट सिनेरियो समझेंगे, क्या कंपनी पे कर्ज है, कितना रेवेन्यू हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है पैसा लगाना यहाँ। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि सर आईपीओ में पैसा बनता नहीं है, लेकिन देखो यहाँ अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है और आपको अप्लाई करने का यहाँ मौका मिल रहा है, तो कितना डिसीजन बनता है अप्लाई करना, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं, काफी लोग नहीं जानते कि आईपीओ मतलब होता क्या है और कंपनी क्यों लाती है आईपीओ। दो तीन रीजन है। देखो आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जैसा कि आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड में एनएफओ आता है, न्यू फंड ऑफर, लिस्ट होने से पहले और लिस्ट होने के बाद थोड़े बहुत प्राइसिंग में एनएवी में इंपैक्ट पड़ता है। सेम चीज शेयर मार्केट में, जब भी अगर आप देखोगे तो शेयर मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट होने से पहले अपना आईपीओ लेके आती है। और आईपीओ के इंपॉर्टेंट बहुत सारे मकसद होते हैं। पहला मकसद होता है कि यार कुछ कंपनी सोचती है कि मैं अपने कर्जों को खत्म करूंगी, कर्ज को खत्म करना जो ऑलरेडी लॉस में चल रही हैं। दूसरी बात होती है कि भाई साहब मुझे ना एक्सपेंशन करना है, आरएनडी वगैरह सेटअप करना है, नए प्लांट करना है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अपने आप को डेवलप करने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है और पब्लिक से पैसे बोलती है कि भाई साहब आप हमारे इस कंपनी में पैसे लगाओ। चलो तो बात करते हैं इसके बारे में, कंप्लीट सिनेरियो समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर दिसंबर 2021 में आया, 100 स्कूटर के साथ उन्होंने स्टार्ट की थी कंपनी। बैंगलोर एंड चेन्नई की बात करेंगे और अगर देखा जाए रेवेन्यू के बारे में बात किया जाए तो यहां रेवेन्यू देख के आपको थोड़ा सा खुशी लगेगी, लेकिन भाई साहब खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी और भी चीजें पता चलने वाली है, तो आप जाके समझ में आएगा कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं। 2630 करोड़ रेवेन्यू हुआ था लास्ट ईयर और इस बार बढ़ के हो गया है 5000 करोड़ रेवेन्यू हो चुका है करंट ईयर में। लेकिन रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रहा है इनका, लेकिन रेवेन्यू के साथ साथ पता है क्या बढ़ रहा है इनका, रेवेन्यू के साथ साथ बढ़ रहा है इनका कर्जा, लगातार बढ़ रहा है, इसमें ये कमी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कम नहीं कर पा रहे हैं, लगातार होता जा रहा है, लॉस लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये तो चलो पॉजिटिव पॉइंट क्या रही कि रेवेन्यू बढ़ा, नेगेटिव पॉइंट क्या रहा कि लॉस होता जा रहा है। अगेन पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स में अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करोगे तो दे आर द लीडर्स भारत में, भाई साहब लीडर नहीं है और इनसे बढ़ के कोई नहीं है। अगर आप पॉजिटिव चीज बात करोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना आने वाले समय में लगातार बढ़ रहा है, चल रहा है लगातार। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग में है और इंपॉर्टेंट है कि सर वो बैटरीज में भी लगातार काम करने वाले हैं और इसी बैटरीज में लगातार काम करने के लिए ये आईपीओ लेके आ रहे हैं कि भाई साहब पैसा मिलेगा हमें और इन पैसों से कोशिश करेंगे कि सर हम ये पैसा एक्सपेंशन में लगाएं, नई ब्रांचेस ओपन करें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ओपन करें बैटरीज को लेके और अपने कर्जे खत्म करें। चलो इस आईपीओ के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सर आईपीओ क्या है, सर आईपीओ 2 अगस्त से 6 अगस्त तक रहेगा, ध्यान रखना। तो आईपीओ डेट है जो 2 अगस्त टू 6 अगस्त 2024 है, मतलब 2 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में आप डीमेट अकाउंट से आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट आप स्टॉक यूज कर सकते हैं, एंजल लोन यूज कर सकते हैं, आप स्टॉक का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां से कर सकते हैं डाउनलोड। और जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट ओपन होगा इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ग्रो से कर सकते हो, आप स्टॉक से कर सकते हो, आपके ऊपर है। आईपीओ का साइज क्या है सर, 6100 करोड़ रुपए मार्केट से इकट्ठा करना चाह रहे हैं, 6100 करोड़। अब प्राइस बैंड क्या रखा है उन्होंने सर, 72 रुपीज टू 76 रुपीज, लेकिन जब भी आप अप्लाई करोगे ना सर 76 रुपीज अप्लाई करना, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। लॉट साइज कितने का है सर, आपको 195 रुपीज का 195 शेयर टोटल मिलेंगे और 76 रुपए का इसका अपर प्राइस है, अपर प्राइस। और हमेशा जब भी आप जो आईपीओ जब आप लोग अप्लाई कर देते हो तो फिर आप लोग जीएमपी देखते हो कि यार ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना हो रहा है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए हमेशा हो सकता है, जब आप आईपीओ का अप्लाई कर दोगे ना तो बाद में पता चलेगा यार ग्रे मार्केट प्रीमियम 15 रुपीज एक्स्ट्रा दिख रहा है, 20 रुपए, तो इससे ऐड करके बताया जाता है। तो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि आगे क्या होगा इस आईपीओ को लेकर। लेकिन अगर मान लो 76 के बाद 80 होगा तो आप बोलोगे सर अभी इसका 80 का जीएमपी चल रहा है, तो ऐसे लोग बातें करते हैं। चलो ये तो हो गया, अब बोलोगे सर कितना पैसा इसमें खर्च करना है, लगभग 14,820, ये इतना रुपए, क्योंकि इससे आपको एक लॉट मिलेगा, अगर आप 2, 3, 4 लॉट अलग अलग करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर देना 14,820 का। लास्ट डेट लिस्टिंग डेट कब है, मतलब कब आपको पता चलेगा आपके डीमेट अकाउंट में दिखने लगेगा, लिस्टिंग डेट है सर 9 अगस्त। ये सारी पॉइंट नोट कर लेना। चलो अगली पॉइंट बात करते हैं सर,
आईपीओ का पैसा खर्च कहां करने वाले, क्योंकि हमें पता होना जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी पे बहुत ज्यादा कर्जा है और उस कर्जे को खत्म करने के लिए हमसे पैसे लिया जा रहा है। तो देखो कुछ चीजें हैं, फ्रेश इशू सर लगभग 5,500 करोड़ का फ्रेश इशू है इनका, 6,100 करोड़ टोटल है, उसमें से 5,500 है, ऑफर फॉर सेल 645 है। मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है ना सर, वो सेल करेंगे तो वो उनको ऑटोमेटिक कितना मिल जाएगा, 645 करोड़ उनको मिल जाएगा। अब क्या है सर, 5,500 में से जो बिल्कुल ओला के लिए जाएगा, डेफिनेटली जो लोग मनी बोरो कर रहे हैं, इसमें क्या रहेगा, 1,227 करोड़ तो लोग करने वाले हैं ओला गीगा फैक्ट्री के लिए। किसमें करेंगे, ओला गीगा फैक्ट्री के लिए करेंगे, कितना, 1,227। देखो खर्चा कहां कहां करेंगे, आपके जो 5,500 इनको मिलने वाला है आईपीओ के माध्यम से, उसमें से 1,227 करोड़ ओला गीगा फैक्ट्री में उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं जो इनकी सब्सिडरी है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें क्या मिशन है इनका सर, कि 5 GWh को इसमें कन्वर्ट करना है, 6 WH में कन्वर्ट करना है। अब उसमें टोटल, क्योंकि ये तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए इस पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, टोटल कर्जा है 996 करोड़ का, उसमें से तो इनके पास टोटल वैसे कर्जा 996 करोड़ का कर्जा इनके पास है वैसे देखा जाए तो अभी, और उस कर्जे में से लगभग 800 करोड़ रुपए उन्होंने वो लगाना चाहेंगे इसमें, ठीक है। आरएनडी के लिए कितना खर्चा करना चाह रहे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए 1600 करोड़। तो आप देख सकते हैं 5,500 में से 1,227 एक अलग से सब्सिडरी कंपनी में खर्चा कर रहे हैं, लगभग खर्चा कर रहे हैं 800 करोड़ रुपए अपना लोन आरएनडी के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1600 करोड़ खर्चा करने वाले हैं, बाकी केवल बिजनेस को ग्रो करने के लिए 350 करोड़ रुपए यहां खर्च करने वाले हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई, अब आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि मैक्सिमम आपका पैसा कहां जाने वाला है, आरएनडी के लिए 1600 करोड़, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए जो मैंने बताया केवल 350 करोड़, मतलब आगे ग्रो करने के लिए 350, बाकी सब तो केवल जिनको पुराने कर्जे हैं उनको खत्म करने के लिए कर रहे हैं। चलो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए बहुत जरूरी है, और इस डेटा के माध्यम से आपको काफी चीजें क्लियर होने वाली है। देखो सबसे बात करते हैं रेवेन्यू की, बात करें तो रेवेन्यू में अगर 22, 23, 24 की बात करें तो लगातार ये लोग ग्रो कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लेकिन अगर इलेक्ट्रिक लॉसेस की बात करेंगे सर, तो सर लॉसेस में भी लोग लगातार आगे हैं, ऐसी बात नहीं है। 784 करोड़ का इनका इलेक्ट्रिक लॉसेस हुआ था, 23 की बात करें 1472, मतलब देख रहे हो कि ये इनके क्या है ना, एक्सपेंसेस हैं सर, और एक्सपेंसेस मतलब इनके खर्चे भी बहुत ज्यादा हैं, ऐसी बात नहीं खर्चे नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिया, कुछ इनके नॉर्मल कर्ज की बात करें, कर्ज भी लगातार बढ़ रहे हैं। अगर रेवेन्यू इनका बढ़ा है तो साथ साथ इनका कर्ज भी लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या करेंगे, मार्केटिंग एंड एक्सपेंसेस, ये भी लगातार बढ़ रहे हैं, अभी वो कम नहीं हुए हैं। अगर टेक्नोलॉजी कॉस्ट की बात करें, टेक्नोलॉजी कॉस्ट भी लगातार, अगर 22, 23, 24 की बात करोगे तो लगातार वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब और इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, इंपोर्ट डोमेस्टिक की बात करें तो इंपोर्ट डोमेस्टिक भी लगातार कोई अच्छा खासा डेटा इनके पास नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का इंसेंटिव सर अच्छा खासा बढ़ा है। तो यहां गवर्नमेंट के इंसेंटिव को लेकर एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है, अगर ये लोग बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। सोचो ये सारे चीजें हैं ओला के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई यहां मेरे तरफ से कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं रहेगी कि लेना है, अप्लाई करना है कि नहीं करना है, आपको मैंने बता दिया कि रेवेन्यू कैसा है, आपके पैसे को कहां खर्च करने वाले मैंने आपको बता दिया सब चीजें, अब डिसीजन आपका है। बाकी कमेंट से जरूर बताना कि आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट। बाकी मिलते हैं शुरू के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय।